चित्तौड़गढ़ किला, जिसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये किला भारत के सबसे प्राचीनतम किलों में से एक है। ये किला भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। एक ऐसा किला जिसने सबसे ज्यादा खूनी लड़ाइयां देखी, जिस किले में सबसे ज्यादा जौहर हुए और जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी शामिल किया गया। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले की, जो मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में एक समय में मेवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था। आज हजारों की संख्या में पर्यटक चित्तौड़गढ़ के किले को देखने के लिए आते हैं। चलिए इस किले का इतिहास जानते हैं। चित्तौड़गढ़ की भूमि पर कई वीरों ने जन्म लिया और कई वीरांगनाओं ने अपनी आन बान शान के लिए इसमें अपनी जान दे दी। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन का प्रतीक है। ये किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियां प्रदर्शित करती है। चित्तौड़गढ़ किला भारत का सबसे विशाल किला है। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित भीलवाड़ा से कुछ किलोमीटर दक्षिण में है। ये किला सन 1568 तक मेवाड़ की राजधानी थी और उसके बाद उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बना दिया गया। इस किले की स्थापना सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। चित्तौड़गढ़ का इतिहास इस किले की तरह ही हजारों साल पुराना है। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। ये किला राज्य का सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना किला है। इस किले को चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बनाया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ का मतलब है किला। किलों में सबसे आगे है चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान के मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपने अदम्य शक्ति और साहस से मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक मानमोरी को युद्ध में हराकर करीब 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार लिया और करीब 724 ईस्वी में भारत के इस विशाल और महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना की। दोस्तों, ये किला कितना ज्यादा पुराना है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर ऐसा कहा जाता है कि यह महाभारत काल में महाबली भीम अमर होने के रहस्य के बारे में जानने के लिए आए थे। और साथ ही हमारे इतिहास में इस किले से जुड़ी बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं मौजूद है। चित्तौड़गढ़ का किला 180 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर बना है। ये किला 700 एकड़ में फैला हुआ है। ये विशाल किला अपनी भव्यता, आकर्षण और सौंदर्य की वजह से साल 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। राजस्थान के गौरव माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ के इस किले पर 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच 3 बार बड़े आक्रमण हुए, लेकिन राजपूत शासकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस किले की सुरक्षा की। इस किले का पहला आक्रमण 1303 ईस्वी में हुआ था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था, क्योंकि रानी प्रज्ञावती की खूबसूरती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी उन पर मोहित हो गया और वो रानी प्रज्ञावती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रानी प्रज्ञावती ने उसके साथ जाने से मना कर दिया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के ऊपर आक्रमण कर दिया। राजा रतन सिंह और उसकी सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें इस युद्ध में पराजित होना पड़ा, जिसके बाद रानी प्रज्ञावती ने राजपूतों के स्वाभिमान और अपने मर्यादा की खातिर इस किले के विजय स्तंभ के पास करीब 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। दोस्तों, जौहर का मतलब होता है खुद को जला लेना। इस किले में दूसरा आक्रमण सन 1535 ईस्वी में हुआ था। 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने यह हमला किया और विक्रमाजीत सिंह को हराकर इस किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उस समय रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी और उन्होंने दुश्मन सेना की अधीनता स्वीकार ना करते हुए रानी कर्णावती ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 13,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। इसके बाद उनके बेटे उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ का शासक बनाया गया। इस किले पर तीसरा आक्रमण हुआ था सन 1567 ईस्वी में। मुगल शासक अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर हमला करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया, लेकिन राजा उदय सिंह ने इसके खिलाफ संघर्ष नहीं किया और वो इसके बाद वहां से चले गए। फिर उन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की। वहीं इसके बाद 1616 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ के किले को एक संधि के तहत मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह को वापस कर दिया। यदि ये घेराबंदी के समय को छोड़ दिया जाए तो बाकी के पूरे समय इस किले पर राजपूतों का शासन रहा है। महाराणा प्रताप ने इस किले को छोड़ उदयपुर की स्थापना की थी।
लेकिन इन तीनों लड़ाइयों में राजपूतों ने हर तरीके से अपने राज्य को बचाने की कोशिश की थी। इस किले की रक्षा के लिए उन्होंने तीनों बार अपने कई राजपूत सैनिकों को खोया। चित्तौड़गढ़ पर कई बार आक्रमण किए गए। जब भी चित्तौड़गढ़ का राजा युद्ध में परास्त हुआ, तब तब वहां की वीरंगनाओं ने बचने के लिए जौहर का रास्ता चुना और अपनी आन बान शान की रक्षा की। राजपूत वीरंगनाओं का इतिहास में यह बलिदान अतुल्य है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। हमारे देश में मौजूद ऐसे ही ऐतिहासिक और रहस्यमय जगहों के बारे में जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।